युवाओं को नशे से मुक्त करने के मकसद से हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा शिमला में मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रदेश के युवाओं को नशे से मुक्त करने के मकसद से हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला में मैराथन का आयोजन किया, जिसमें दौड़ के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेताओं को पुरस्कृत किया। वहीं इस मौके पर पुलिस महानिदेशक SR मरडी भी मैराथन में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा नशे पर लगाम लगाने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स प्रोग्राम, मोबाइल ऐप ड्रग फ्री हिमाचल, नशा निवारण टोल फ्री नंबर 1908 और साइबर क्राइम वेबसाइट व हेल्पलाइन नंबर 15526 की लॉन्चिंग की, जिसके माध्यम से लोग नशे का कारोबार करने वालों की जानकारी पुलिस को दे सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, तभी प्रदेश के युवाओं को इससे बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नशे पर लगाम लगाने के लिए कानून को सख्त किया है और जरूरत पड़ने पर कानून को और सख्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री से बीते साल नशे पर लगाम लगाने के लिए साझा अभियान चलाने का आग्रह किया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए थे और नशे का कारोबार करने वालों पर भी नकेल कसी गई थी। उन्होंने कहा कि इस साल भी सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ मीटिंग करने की कोशिश करेंगी। वहीं स्टूडेंट कैडेट्स प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश में चयनित 60 स्कूलों के बच्चों को स्वच्छता, कानून के प्रति सम्मान और ट्रैफिक रेगुलेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल में 8वीं और 10वीं क्लास के 30 से 45 बच्चों का चयन इसके लिए किया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए 157 पुलिस जवानों को ट्रेनिंग दी गई है, जो बच्चों को स्कूलों में आगे इसकी ट्रेनिंग देंगे। वहीं ड्रग फ्री हिमाचल ऐप के माध्यम से पुलिस को नशे से संबंधित सूचना देने वाले का नाम, पता, स्थान पता नहीं चल पाएगा। व्यक्ति की जानकारी गोपनीय रहेगी। नशा निवारण टोल फ्री नंबर 1908 और साइबर क्राइम वेबसाइट व हेल्पलाइन नंबर 15526 के माध्यम से नशे का कारोबार करने वालों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी। मैं समझता हूं कि लगातार ये प्रयास चला रहना चाहिए, जिस तरह से पुलिस विभाग ने इसको चलाए रखा है, क्योंकि नशा आज हिमाचल की नहीं, देश की नहीं, तो दुनिया की बहुत बड़ी एक समस्या है। और इस समस्या के लिए सब लोगों को आगे बढ़ करके जो योगदान हम दे सकते हैं उसको, ड्रग्स की इस सारी परिस्थिति को रोकने के लिए, वो हमको करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस विभाग नई नई ऐप्स के माध्यम से, टोल फ्री नंबर के माध्यम से नए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि पिछले लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में हमने काफ़ी हद तक सख्ती भी की है, काफ़ी हद तक उस कार्यवाही में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, उनके गिरोह को तोड़ा गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम ऐसा कहें कि पूर्ण रूप से सफल हो गए, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा यही है कि पुलिस विभाग अपने विभाग के माध्यम से जो काम कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। जहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है वहाँ काउंसलिंग कर रहे हैं, जहाँ समझाने की ज़रूरत है समझा रहे हैं, जहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है वहाँ कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात उसमें समाज को उसका हिस्सा बनना चाहिए। समाज आगे बढ़ करके जो है ड्रग्स को नकारने के लिए माहौल में आकर ऐसा माहौल पैदा करे, जिसके कारण जो है लोगों के बीच में जाए ये संदेश नीचे तक कि ये नुकसानदायक चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि उस दिशा में काफ़ी NGOs भी काम कर रही हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायती राज संस्थाओं के वो भी काम कर रहे हैं, सरकार के एक विभाग नहीं और बहुत सारे विभागों के माध्यम से हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसको और भी सख्ती से जहां रोकने की जरूरत होगी वहां पर उस कार्रवाई को करें। निश्चित रूप से सफलता इसमें निश्चित रूप से मिली है, और एक माहौल खड़ा करना, एक वातावरण निर्मित करने के लिए, लोगों के बीच में जानकारी देना नशा नुकसानदायक है, ये सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी हद तक अवेयरनेस में हम आगे बढ़े हैं और उसमें सफलता हासिल हुई भी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी जहां हमको पहुंचने की ज़रूरत है वहां पर अभी तक पहुंचना बाकी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारी जो है वो संस्थाएँ ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में अपना सहयोग देती हैं, आज भी बहुत सारी संस्थाओं ने इसमें अपना सहयोग दिया है।
पुलिस ने नशे के खात्मे के लिए प्रदेश में एक व्यापक अभियान छेड़ने का प्रयास किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक ने स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने और कानून व्यवस्था के सम्मान की शपथ भी दिलाई। इस मैराथन में 50 दिव्यांगों और 15 वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।